नमस्ते। आज मैं आज आपको बता रहा हूँ TVS स्पोर्ट बाइक का कार्बोरेटर की किस तरीके से सफाई करते हैं। तो सबसे पहले कार्बोरेटर को खोलेंगे, क्योंकि ये गाड़ी के अंदर पानी आ गया था, कचरा आ गया था, जिसकी वजह से गाड़ी चालू नहीं रही थी। तो आज इसका कार्बोरेटर की सफाई करेंगे। तो किस तरीके से कार्बोरेटर की सफाई करते हैं तो मैं आपको पूरा बताऊंगा, बाइक के कार्बोरेटर की किस तरीके से सफाई करते हैं तो मैं आपको पूरा वीडियो बताऊंगा। तो सबसे पहले कौन कौन से पार्ट्स रहते हैं, ये आपको दिख रहा होगा, ये चोक रहता है। चोक का मेन काम रहता है, जब ठंड का समय रहता है तो एयर और फ्यूल के मिक्सचर को बनाने के लिए चोक का यूज करते हैं। इसमें क्या रहता है, एयर की क्वांटिटी कम हो जाती है और पेट्रोल की क्वांटिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से रिस मिक्सचर बनता है। रिस मिक्सचर बनेगा तो गाड़ी जल्दी चालू हो जाती है, फिर हम जैसे ही चोक को हटा लेते हैं तो बराबर मात्रा में मिक्सचर जाने लग जाता है। ये चोक रहता है, आपको ये देख रहा है, यहाँ पर हमको पूरा कार्बोरेटर के अंदर जो नीडल रहती है वो इसके अंदर फिट होती है। और ये वाला आपको स्क्रू दिख रहा है, ये RPM स्क्रू रहता है, जिसकी सहायता से हम एक RPM पर इंजन को चालू करके रखते हैं। ये RPM स्क्रू है। ये वाला आपको दिख रहा है, ये वॉल्यूम कंट्रोल स्क्रू है, इसकी सहायता से एयर और फ्यूल के मिक्सचर की सप्लाई करते हैं बराबर मात्रा में। यही मेन स्क्रू का काम रहता है, एयर और फ्यूल मिक्सचर का, जिसकी वजह से अच्छे से गाड़ी एवरेज देती है। ठीक है, तो ये मेन रहता है। अब मैं आपको बताता हूँ, इसको खोल के बताता हूँ। ठीक है, ये दो बोल्ट रहते हैं, इसको आराम से खोलेंगे। इसके लिए आपको एक ट्रे होना चाहिए, इसको हमने खोल लिया, इसको बिल्कुल क्लियर साफ करेंगे। ये फ्लोट रहती है, ये मेन जेट रहता है, ये पायलट जेट रहता था, उसको हम निकालेंगे इस तरीके से। और इसके सामान को बढ़िया आराम से निकालना है और गिर ना जाए, और ठीक है तो सामान से निकालना है। इसके बाद आपको अच्छे से सफाई करना है। ये नीडल रहती है, नीडल क्या करती है, इसके अंदर जो पेट्रोल रहता है उसको बराबर मात्रा में आने देती है और फ्लोट उसको रोक के, जैसे ओवर ना हो, यदि बाइक ओवर हो रही तो ये फ्लोट और नीडल की वजह से ही रहता है। तो आप इसको अच्छे से चेक करना, यदि नीडल पंच ये फ्लोट पंचर हो जाती है तो उसको पानी में डुबोकर चेक कर सकते हैं, यदि बबल्स आ जाएंगे समझ लो ये खराब हो गई, वैसे बहुत कम खराब होती है। ये रहता है मेन जेट, इसको हम खोलेंगे। ठीक है, और ये रहता है पायलट जेट। अब इनको खोलने के बाद खोलेंगे, इसके बाद देखेंगे इसके अंदर कोई कचरा तो नहीं है, कोई धूलकण तो नहीं है, जिसकी वजह से अंदर जेट बंद ना हो गए हो। ठीक है, इनको अच्छे से देखेंगे, देखने के बाद फिर ये वाले इनको भी खोल लेता हूँ। ये RPM स्क्रू रहता है, इसको निकालेंगे, इसके अंदर एक स्प्रिंग रहती है। इनको आराम से आपको निकालना है कि कोई गिरे ना, कोई खराब ना हो। इसके अंदर छोटे छोटे बाइसर लग रहे थे, आपको दिख रहा होगा अंदर की साइड रहते हैं, वो कभी कभी निकलते हैं और कभी कभी नहीं निकलते। पूरे सभी चीजों को निकालने के बाद फिर इसके अंदर हवा का प्रेशर देंगे हम, और हवा का प्रेशर बराबर मात्रा में देना है, ज्यादा भी नहीं देना है। और जिसके सारे जितने सारे जेट और ये रहते हैं, नट बोल्ट रहते हैं, उनको आराम से खोलना है आपको, कोई जल्दबाजी नहीं करना है, नहीं तो कोई खराब हो जाता है, दिक्कत हो जाती है। ठीक है, इसके अंदर भी ये है, इसके अंदर भी ये वाइसर रहता है इस तरीके का, इसका हमेशा ध्यान में रखना है, इसको कहीं ये मिस ना हो। अब इसके अंदर में हवा का प्रेशर दे के आता हूँ, इसके बाद फिर इसको वापस फिट करेंगे। तो ये मेन रहता है, ये रहता है, ये रहता है, इनमें सब में अच्छे से हवा देंगे। हवा देने से क्या रहता है, इसके अंदर थोड़ा बहुत भी कचरा रहता है, गंदगी रहती है, वो सब निकल जाएगा। ये इसकी शेप देखो, बेंचुरी की तरह रहता है, इधर से बड़ा डायमीटर रहता है और बीच में छोटा रहता है, जिसकी वजह से एयर और फ्यूल सक करता है, यानी इसके अंदर से एयर आती है, एयर इधर से आएंगी, इधर से फ्यूल आएगा, दोनों का मिक्सचर बनता है और वो जलाने का काम आता है। अब चोक का काम रहता है, चोक जैसे लगा देते इसको बंद हो जाता है, चोक से इधर से ज्यादा पेट्रोल आने लग जाता है, जिसकी वजह से गाड़ी चालू हो जाती है। मैं हवा का प्रेशर देता हूँ, इसके बाद फिर इसको हम चालू करेंगे। तो कंप्रेसर रहता है, या आपके पास जो घर में पंप रहता है उसकी सहायता से आप इसमें हवा दे सकते हो। हवा देने के बाद इसके अंदर का सारे जेट खुल जाएंगे, फिर हम इसको फिर फिट करेंगे।
सबसे पहले हम नीचे की साइड से करेंगे, मेन जेट को अच्छे से सफाई करेंगे, हवा का प्रेशर देंगे, मैंने कर रखा है इसलिए मैं इसको कर नहीं रहा हूँ। और इसको टाइट करेंगे तो सबसे पहले हाथ से हल्के से टाइट करेंगे, जिसकी वजह से इसके अंदर की थ्रेड खराब ना हो। थ्रेड खराब नहीं होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, नहीं तो बहुत महंगे आते हैं, और पहली बात महंगे भी आते हैं और दूसरी बात ये मिलते भी कम है, परेशान होना पड़ता है, इसलिए इसको आराम से टाइट करना कि टूटे ना कोई भी चीज, कोई भी पार्ट्स खराब ना हो। इसके बाद आपको क्या करना है, ये फ्लोट रहती है, फ्लोट के अंदर ही नीडल को फिट करना। देखो यहाँ पर ये फिट कर दिए, फिट करने के बाद इसको लगाना है और वेरीफाई भी करना है आपको ये सही लगी कि नहीं लगी। इसके बाद इसको वेरीफाई करना है आपको, ये उठा के देखना है, ये खुल रही है तो समझ लो बराबर पेट्रोल आएगा और ये बंद हो रही है। अब इस कैप को आराम से आपको लगाना है इस तरीके का, ये अब मैं वीडियो को स्टॉप करूंगा, थोड़ी इसको नट को टाइट कर दूं। अब हमको ये आरपीएम स्क्रू रहता है, इसको टाइट करेंगे। अब इसकी सेटिंग भी आपको बता देता हूँ कि इसकी कितनी सेटिंग रहती है। ये वाइसर को आपको ध्यान से लगाना है, इसके अंदर अब मैं आपको इसकी सेटिंग बताऊं। सबसे पहले इसको फुल टाइट करना है, ये फुल टाइट हो गया। अब इसको कितना ओपन करना है आपको देखो, बिल्कुल आराम से देखना, इसकी स्टैंडर्ड सेटिंग रहती है, ये आपका हाफ माने आधा, ये वन माने एक, ये 1.5 माने डेढ़, और ये इतना आपको करना है जितना मैंने सेटिंग करा। इसमें आप सेटिंग करोगे तो आपकी बाड़ी बहुत अच्छा एवरेज देगी। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा, यदि आपको कोई कमेंट हो, कोई सुझाव हो वो जरूर देना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मैं प्रकाश कुमार सैनी, थैंक यू।